ये इस देश के अंदर बेरोजगारी अव्वल नंबर पर इस टाइम बेरोजगारी, शिक्षा बिल्कुल नहीं मिल रही है इस टाइम, कहाँ मिल रही है, नौकरियाँ कहाँ हैं यहाँ पर। ये सवाल उठा रखा पठान का, एक पठान के एक मूवी का पठान सवाल उठा रखा है, उससे क्या लोगों को मिल जाएगा, किसको खाने को मिल जाएगा? क्यों आजाद हैं? क्यों आग लगी थी? वो पिक्चर आई थी कश्मीर फाइल्स, क्यों आग लगी थी दुनिया को कश्मीर फाइल्स के नाम पे? क्यों सारे पब्लिसिटी हो रही थी उस टाइम पे? दुनिया जहान में उसके पीछे पड़ रहे थे, उसको मारने के लिए धमकियां मिल रही थी, वही तो सच्चाई थी। साल उसे एजुकेशन देने के बाद एमबीए वगैरह जो भी आप कराना चाहती है, उसके बाद क्या आप पकौड़े सिखवाएंगे? नहीं, वो बच्चे बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही यार, इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला है, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला है जाओ पकौड़े बेचो, मैंने ये कहा जाओ फिर बेचो। कच्छ में गुजरात में अर्थक्वेक आया था, आपको शायद बताया 2001 में, तब हमारी हालत बहुत खराब थी, जब से गुजरात में मोदी आए तब से हम पैसे में खेल रहे, देख लो आज ही रोजगार पैसे में मेहनत से हो, मैं जैन हूँ, जैन हूँ, मैं जैन हूँ। चलती चलो वीडियो आई है, आप भारत वो लड़कियों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं ऐसे चल के, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तो कह रहे महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो तो बीजेपी का सम्मान ऐसे किया जाता है, उनको पकड़ पकड़ के, ये आज तपस्वी बन जाता है, तिलकधारी बन जाता है, कल को वहाँ जाता है मस्जिद में टोपी पहन लेता है, वो कहता है मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, आज उसका धर्म क्या है? कोई सेंस की बात करी है उसने आज तक? ये बता दे, कोई बता दे कि आज कहाँ राहुल ने ये बात अच्छी करी है, कोई तो बताए। तो उसकी माँ को भी शर्म आती होगी कि क्या बोल रहा है, कई बार तो उसकी माँ को भी शर्म आती होगी। क्या नाम हो गया मैम आपका? मानसी। मानसी जी, अच्छा 2024 की अगर हम बात करें तो आप किसको चाहती हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री बने? हमने एक ही को देखा है, हम एक ही को देखेंगे, या तो मोदी आए या तो योगी आए, या तो मोदी आए या योगी आए, बस और कोई क्यों नहीं, ही नहीं उसकी कैंडिडेट हमारे। तो मैम राहुल गांधी है, राहुल गांधी उसका नाम भी जानते हो पूरा, उसका नाम भी है पप्पू बोलते हैं, पप्पू। वो तो कह रहे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, दो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इस लायक है, उसको ये नहीं आलू की फैक्ट्री है, वो सोना निकालेगा आलू में से, बताओ मतलब कुछ सेंस की बातें ही नहीं करता वो, कभी कभी सेंस की बातें की। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं लोगों के बीच में, भारत टूटा करता जो वो जोड़ रहा है, भारत टूटा कब था जो वो जोड़ रहा है, हमें तो ये बताओ। मोदी जी ने नफरत से तोड़ा है, मैंने मोहब्बत की दुकान कहता है, मोदी ने नफरत से तोड़ा, मोदी ने कौन सी नफरत, मोदी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक मानता है, बाद पैदा हुए ना राहुल गांधी, तो मोदी के बाद ही पैदा हुए ना, तो उन्हें कैसे पता कि मोदी ने तोड़ा है? जब से मोदी जी सत्ता में होगा, जो मोदी से पहले पैदा हुआ होगा उसे पता होगा मोदी ने भारत तोड़ा है नहीं तोड़ा, जो मोदी के बाद पैदा हो रहा है उसे कैसे पता मोदी ने भारत तोड़ दिया? जब से 2014 से आए हैं तब से टूटा है, और जो 2014 से पहले टूटा था उसमें कौन था? उस पहले तो उन्हीं की सरकार थी, 70 साल तो उन्होंने राज किया, तब किसने तोड़ा था? सबका विकास लेके चल रहे मोदी जी, किसकी वजह से हटी, किसकी वजह से हटी, क्यों सबको मिर्चा लग रही है, क्यों आजाद है, क्यों आजाद है, क्यों आग लगी थी? वो पिक्चर आई थी कश्मीर फाइल्स, क्यों आग लगी थी दुनिया को कश्मीर फाइल्स के नाम पे, क्यों सारे पब्लिसिटी हो रही थी उस टाइम पे, दुनिया जहान में उसके पीछे पड़ रहे थे, उसको मारने के लिए धमकियां मिल रही थी, वहीं तो सच्चाई थी, किस लिए थी, क्या था कश्मीर में, किसका राज था कश्मीर में, फारूक अब्दुल्ला का, तो फिर किसको अंदर नजर वो बंद किया था उन लोगों ने? मोदी जी ने ही किया ना, कुछ तो देखा होगा, तभी तो मोदी को कोई क्यों नहीं नजर बंद कर लेता। ये बताइए, आपने कश्मीरी फाइल का जिक्र किया लेकिन अब पठान का भी जिक्र आ जाता है कि पठान को बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं लोग। हम लोग ना पठान देखते हैं, हमने कश्मीर फाइल देखी, उसमें वो देखने लायक थी, उसमें कुछ दिखाया था, कुछ सच्चाई थी, पठान में क्या सच्चाई दिखाई है, कौन सी किसी ऊपर बनाई हुई पठानी बताइए आप, किसके ऊपर बनाई है, कौन सी रियलिटी है उस पठान में, हमने तो नहीं देखी, मैंने तो लाल सिंह चड्ढा भी नहीं देखी, मैं क्यों देखूँ फालतू की पिक्चरें? क्या पठान को देखने लायक? मैं तो नहीं देखूंगी। क्यों नहीं देखेंगे? नहीं देखनी, देखने लायक होगी तो देखेंगे ना, आजकल बना क्या रहे हैं उसमें गंद, देखो बात सुनो फिल्मों पे आई ना, बना क्या रहे गंद, क्यों देखना उनको? क्यों लगता है कि जो बॉलीवुड का बहिष्कार, जो बॉलीवुड का बहिष्कार किया जा रहा है वो सिर्फ एक विशेष धर्म के लोगों को देखकर किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, धर्म के नहीं, ये जानबूझ के बदनाम किया जा रहा है, वो जो गलत काम दिखाते हैं हिंदुओं के प्रति उस लिए बहिष्कार होता है, जो हिंदुओं के लिए जो लिखा ही नहीं गया वो काम दिखाते हैं फिल्मों में, तो इसलिए बहिष्कार किया जाता है। शाहरुख खान मुस्लिम है इसलिए बहिष्कार किया? ऐसा कुछ नहीं है, आज तक हमने हिंदू मुस्लिम में माना था, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये सब मुसलमान थे, हमने आज तक मुसलमान कहा ही नहीं था इनको, हम इनको एक्टर मानते थे। मोदी जी की सरकार में तो कितने लोग मुसलमान हैं? तो ऐसे तो मोदी जी अगर बहिष्कार ही करने लगे दुनिया का, या दुनिया बहिष्कार करने लगी, क्या ऐसे तो फिर मोदी आएगा ही नहीं? मोदी की सरकार में क्या उनके उसमें क्या मुसलमान नहीं है? है ना, और वो मोदी को मानते हैं ना, यहाँ भी आज कितने भी हिंदू मुसलमान होंगे
क्या वो मोदी को ये कहते हैं या कि ये हमारे को अलग कर रहा है? उसने ये तो नहीं कहा हिंदू अलग हो जाओ मुसलमानों अलग हो जाओ। कांग्रेस ने अलग किया ना सबको, हिंदू मुसलमान उन्होंने बनाया। तो ये तो जोड़ने की बारी आई है, उसमें भी मिर्चा लग रही है। ये तो सबको जोड़ रहे हैं ना, भारत तो जोड़ रहे हैं। राहुल मुसलमान है, हम इनको नहीं कहते हमारे भाई नहीं है जोड़ा। अच्छा बताओ चलो, उन्होंने कौन सा भारत जोड़ा, कहाँ से जोड़ा, शुरुआत बताओ, आप बताओ। उन्होंने भारत जोड़ा, कन्याकुमारी से चले हैं कश्मीर जाएंगे। चलने को मैं चल देती हूँ, लाओ चलो जुड़ जाएगा भारत मेरे पीछे, मैं चलती हूँ। चलो वीडियो आई है, आप भारत वो लड़कियों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं ऐसे चल के, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। वो तो कह रहे महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो तो बीजेपी का सम्मान ऐसे किया जाता है, उनको पकड़ पकड़ के। भारत जोड़ो की बात कर रहे हो आप, मैं वो साथ चलते हैं इसलिए उनकी दुनिया साथ चल रही है। भारत जोड़ो, मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरे साथ कौन कौन चल रहा है, चलो भारत जोड़ना है ना, चलो जोड़ो ना भारत, भारत जोड़ना है ना, चलो आप लोग चलो मेरे घर। लो लो दुनिया कौन चलती है मेरे घर, मेरे घर मैं भी शुरुआत करती हूँ। यहाँ चांदनी चौक से गाड़ियों में भारत यात्रा कर रहा है, एसी लग रहे हैं ट्रकों में, एसी में चल रहा है वो, और कहते हैं भारत यात्रा कर रहा हूँ मैं पैदल, तो चल रहे हैं पैदल, लेकिन साथ में क्या चल रहे हैं उनके, जो साथ में गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं उनमें एसी लग रहे हैं, एसी में जा रहा है। ये बताए एक मिनट, लेकिन भाई एक मैडम मैम मैम इधर है मैम, एक बात है, लेकिन मैम लेकिन टी शर्ट में तो घूम रहे, इतनी ठंड में टी शर्ट में घूम रहे। एक बात सुनो, टी शर्ट में दिखा, ये सब दिखा हुआ है, सब दिखा हुआ है, जींस में घूम लो टी शर्ट में घूम लो, तो ये सब दिखा हुआ है। तपस्वी है, योगी है, ये आज तपस्वी बन जाता है, तिलकधारी बन जाता है, कल को वहाँ जाता है मस्जिद में टोपी पहन लेता है, वो कहता है मैं ये भी हूँ। आज उसका धर्म क्या है, उसका धर्म क्या है, धर्म क्या है राहुल का, कि मोदी है, योगी है, केजरीवाल है, राहुल गांधी, हम किसी को नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं जो करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। जहाँ मोदी जी गलत होते हम भी बोलते हैं वहाँ गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। जहाँ केजरीवाल गलत होता हम बोलते हैं यहाँ गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। हमने नहीं कहा मोदी भगवान है तो उसको भगवान ही खड़ा कर दो, अगर कहीं गलत है तो हम भी बोलते हैं गलत है, कि उसके काम अच्छे हैं, उसने काम अच्छे किए। लेकिन काम अच्छा लगा आपको, क्या काम नहीं किया उसने, किसका नाम आ रहा है जो G20 हो रहा है अभी, नंबर वन पे चल रहा है, अगर आप नंबर वन पे देश को ले गया है, आज तक इतने सालों में कोई इंडिया को ले गया था, आपके देश को पूछता कौन था पहले, आज जो इतनी वैक्सीन लगी है दुनिया को फ्री में, विदेशी उनको खड़े होकर सलाम करते हैं, वही अंग्रेज थे जो हमें पैरों तले रौंदते थे, वही अंग्रेज थे जो हमें पैरों तले रौंदते थे, और आज वो अंग्रेज उसको सैल्यूट कर रहे हैं। तो नहीं होता था क्या मैं? नहीं होता था, आज तो आप बता दो कोई भी जाता विदेशी खड़े ही नहीं होते थे, बैठे रहते थे। आज मोदी का पता लगता है, मोदी आ रहा है सारे खड़े हो जाते हैं उसके सम्मान में, सारे उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। तो फिर आप ये बताओ, कुछ तो क्वालिटी है जो विदेशी भी मान रहे हैं, कुछ तो क्वालिटी है उसमें, लेकिन कुछ तो है जो दुनिया लेकर आई है। राहुल गांधी जी में कुछ नजर नहीं आता क्या? नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे तो कंपटीटर लगता ही नहीं है यार, अपनी माँ का नहीं है तो देश का क्या होगा, तो इतना प्यार बिल्कुल क्या बताए आपको, आपने उसके भाषण सुने हैं कभी? मतलब कितने झूठेले बनते हैं यार उसके नाम पे, आज तक कोई सेंस की बात करी है उसने आज तक? ये बता दे, कोई बता दे कि आज कहाँ राहुल ने ये बात अच्छी करी है, कोई तो बताए। तो उसकी माँ को भी शर्म आती होगी कि क्या बोल रहा है, कई बार तो उसकी माँ को भी शर्म आती होगी। माँ पे नहीं चाहिए, देखिए सम्मान करना चाहिए, सम्मान उसकी माँ बोल रहे हैं, गाली नहीं दे रहे, माँ को माँ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी की बात हो रही है तो नहीं, हम तो यही तो कह रहे हैं ना कि उसकी माँ को भी लगता होगा कि मैंने क्या, मेरी औलाद है ये जो ये देश के लिए ढंग से बात, कभी उसका ढंग से भाषण सुन लेना, कभी कोई सच्चाई दी हो उसने, कोई सच्चाई की हो उसने। हम नहीं कहते केजरीवाल देता है भाषण, हम उसको कहें देखा गलत है, हम ये तो नहीं कह रहे केजरीवाल गलत है या वो गलत है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अब उसको प्रधानमंत्री कौन बना देगा, उसमें नहीं बनाएंगे, इतने सारे लोग खड़े हैं। मैं तो नहीं, क्वालिटी है राहुल के, समझती उसको प्रधानमंत्री लाया, घर चलाने को उनके पता नहीं क्या आटा, क्या नाम मेरा, फेज फेज फेज, किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री बने? हम तो वो चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री हमारे लिए काम करे। कौन है ऐसा प्रधानमंत्री, कौन बने अभी तक के लिए? वो ये तो नहीं दिख रहा है कि प्रधानमंत्री कौन काम कर जाएगा, कोई भी अच्छा साल हो गए इस सरकार नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है इस सरकार को। हम एक बार बताते हैं, एक बार बताओ, ये इस देश के अंदर बेरोजगारी अव्वल नंबर पर है इस टाइम, बेरोजगारी, शिक्षा बिल्कुल नहीं मिल रही है इस टाइम, कहाँ मिल रही है, नौकरियाँ कहाँ हैं यहाँ पर,
ये सवाल उठा रखा पठान का, एक पठान के एक मूवी का पठान सवाल उठा रखा है, उससे क्या लोगों को मिल जाएगा, किसी को खाने को मिल जाएगा, किसी को कुछ मिल जाएगा? ये मोदी सरकार ने थोड़ी उठाया है, मोदी जी ने नहीं, नहीं, सारे सारे न्यूज चैनलों पर यही चल रहा है, किसी में भी डिबेट ये नहीं हो रहा कि बेरोजगारी कहाँ जा रही है नहीं, ना शिक्षा के ऊपर, नौकरियों के ऊपर नहीं बोल रहा कोई। हम एजुकेटेड बंदे हैं कि एजुकेशन के बाद बंदा सोचता है इतना पढ़ रहा है कुछ मिले, नौकरी मिले, कोई सी मिले, कुछ भी नहीं मिल रहा वहाँ। न्यूज चैनल भी ये कह रहे हैं नहीं, जो मोदी जी कह रहे हैं कि हाँ आपको गोलगप्पे बेचने से करो, मैम आप बताइए, कह रहे हैं कि किसी मुद्दे पे बात नहीं हो रही है सिर्फ, हाँ। वो रोजगार भी दे रहे हैं, जहाँ जहाँ रोजगार दिया जा रहा है वो बताते हैं इतना रोजगार दिया इतना, तब क्यों नहीं? मेरी बात सुनो, जब वो बोलते हैं तो देते हैं ना, क्या झूठी खबर देते हैं? खुद अपने मुंह से जब बोलते हैं इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो मेरी बात सुनो, वो क्या गलत बोलते हैं? हम ये कह रहे हैं वो गलत बोलते हैं, मीडिया में खड़े होकर ये बात करते हैं देश को पूरे चैनल पर, है वहाँ मुद्दा पूरा नहीं हुआ अभी आपका, वहाँ पे मुद्दा पूरा नहीं हुआ। आप बताइए, आप मुझे एक बात है भैया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद ही लाइव कहा, लाइव हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा, मोदी जी ने खुद ही कहा है, आप ही कह रहे हो तो बेचो तो सही यार, पहले आप बोल बेचो तो सही यार, उस लायक तो बन जा। आप कह रहे हो मैं, आपने ये बोला मैं कमाता नहीं हूँ, आप पकौड़ा ही बेच लो, आप कह रहे हो आप पांच चार बच्चे जितने मेरे तीन बच्चों चाह आप उन्हें पढ़ा रही हैं, आप उन्हें पढ़ाने के बाद क्या चाहती हैं कि चार में से एक तो इतना अच्छे लेवल पे पहुंच जाए कि हमारा घर अच्छा रहे, बोले रहे तो आप चार साल उसे एजुकेशन देने के बाद एमबीए वगैरह जो भी आप कराना चाहती है उसके बाद क्या आप पकौड़े सिखवाएंगे? नहीं, वो बच्चे बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही यार, इन्होंने बोला है मैंने नहीं बोला इन्होंने बोला है जाओ पकौड़े बेचो, मैंने ये कहा जाओ फिर बेचो स्कूल में। मेरे पोते के लिए भी आज एडमिशन के लिए मेरा बच्चा गया, ये ऐसा स्कूल है, आप मयूर विहार में चले जाइए, अल्कोहन इंटरनेशनल है, आप मेरे कितने स्कूलों के नाम मेरे से ले लो, कौन है बिना डोनेशन के कर रहा है? आज मेरी बात सुनो, हमने करवाया, क्या करे केजरीवाल को पूछो ना, ये केजरीवाल क्यों नहीं करवाता बच्चों के लिए, क्यों नहीं करवा रहा केजरीवाल करवाए ना। हम गुजरात से आते, हम 2001 में अर्थक्वेक आया था हमारे यहाँ गुजरात में, कच्छ में गुजरात में अर्थक्वेक आया था, आपको शायद बताए 2001 में, तब हमारी हालत बहुत खराब थी, जब से गुजरात में मोदी आए तब से हम पैसे में खेल रहे, देख लो आज ही रोजगार पैसे में मेहनत से हो, मैं जैन हूँ ये मेहनत से कर रहे हैं, तो आज ये माला माल है, ये खुद बोल रहे हैं ना, गुजरात से आते हैं, ये देखो मेहनत करके आगे आए, आज मेहनती है तो आज ही आगे बढ़े। जब ये अभी चुनाव हुए थे वहाँ के आदमी औरतों ने कह दिया था हमें फ्री नहीं चाहिए, मेहनती हैं, मेहनत करके खाएंगे, और आज ये भी गुजरात से ये भी ये कह रहे हैं कि आज हम मोदी के राज में मालो माल है, खुद मेहनत कर रहे हैं और खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और खा रहे हैं, ये कहते हैं बिना मेहनत के हमें मिल जाए, मोदी सरकारी नौकरियां दे दे तो ये मोदी की जय जयकार करेंगे, ये कल दूसरी सरकार आ जाएगी।